वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बेस वेक्टर्स एंड पोजीशन वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। बात कर रहे थे हम पोजीशन वेक्टर की, ठीक है ना, कि मतलब पोजीशन वेक्टर क्या होता है। सबसे पहले किसी पॉइंट का, कोई भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है ना। और जैसे लास्ट पार्ट में हमने ज्योमेट्री ड्रा की थी कि कोई भी पॉइंट हो सकता है, जैसे पी पॉइंट की बात कर रही थी, एक्स वाई जेड कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पर वाई एक्सिस मानी थी हमने, ठीक है, जेड एक्सिस, ठीक है, और यहाँ पर एक्स एक्सिस, ठीक है ना। और ये भी कोई कंडीशन जरूरी नहीं है कि मतलब यहीं पर वाई एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस यहां पर मान सकते हो, ठीक है ना। बस सीधी सी बात है, जो थ्री डायमेंशन है, जो ये तीन एक्सिस है, एक्स वाई जेड या फिर कहो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस, उसकी मेन कंडीशन क्या है, ये वाली कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तीनों की तीनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बनाए, कुछ इस तरीके से मतलब है, ठीक है। और ये एक्स एक्सिस जो तीसरी है कुछ इस तरीके से, ठीक है, बस यहां पर प्लेन पर या फिर टू डायमेंशन पर दिखाने के लिए कुछ इस तरीके से शो करते हैं, इस वजह से, ठीक है। और यहां पर है ओरिजन, कुछ इस तरीके का थ्री डायमेंशन का। और इस वेक्टर की बात करनी है ओ से पी तक, या फिर कहो कि आर वेक्टर निकालना है, कब, किसी पॉइंट का, ठीक है। तो यहां पर वाई एक्सिस पर वाई जे कैप की बात की थी हमने, वाई जे कैप क्या होता है, वाई डिस्टेंस है, जे कैप यूनिट वेक्टर है, ठीक है। यहां पर एक्स एक्सिस पर तो आई कैप आएगा, और जो भी मैग्नीट्यूड है या फिर डिस्टेंस है, कुछ इस तरीके से। और जेड पर इसी तरीके से जेड इंटू में के कैप, सीधी सी बात। और ये आई कैप, जे कैप और के कैप क्या होते हैं, ये होते हैं बेस वेक्टर, ठीक है ना, इस तरीके से। अब यहां पर लास्ट पार्ट में हमने यहां पर समझा था कि कोई मतलब इस एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी, ठीक है ना, क्यों होगी, क्योंकि वेक्टर है। और आर क्या है, आर वेक्टर है, सीधी सी बात, आर वेक्टर, ठीक है ना। ओ से पी क्या है, आर वेक्टर, सही बात है, और वेक्टर है। और वेक्टर कंसेप्ट कहां से आया था, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से, सही बात है, लाइन सेगमेंट से, मतलब कुछ ना कुछ डायरेक्शन होनी जरूरी है, कोई ना कोई लाइन होनी जरूरी है, और सेगमेंट मतलब कुछ ना कुछ पार्ट होना जरूरी है, ठीक है। या फिर कहो कि सेगमेंट का मतलब पार्ट को या फिर मैग्नीट्यूड को, ठीक है ना। और हमने एक सिंपल सा एग्जांपल माना था कि मतलब जैसे ए से बी मान ली, अगर लाइन है तो लाइन तो कुछ इस तरीके से दोनों साइड में इंक्रीज होगी, ठीक है। अगर लाइन सेगमेंट की बात करो, इसका कोई भी छोटा पार्ट, और छोटा पार्ट मतलब दोनों फिक्स्ड पॉइंट हो जाएं, दोनों के दोनों फिक्स्ड पॉइंट हो जाएं, इस वजह से, मतलब ये फिक्स्ड पॉइंट का काम करेगा, जैसे ओरिजिन फिक्स्ड पॉइंट का काम कर रहा है, इस वजह से मतलब कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, ठीक है ना। पॉइंट माने थे ओ ए बी, कोई भी पॉइंट नाम दे सकते हो, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है ना। अब यहां पर, और इसको सी पॉइंट मानना था, मतलब रेक्टेंगल बना, रेक्टेंगल बना ओ ए सी बी, और रेक्टेंगल ही क्यों बना, इस बात को भी समझा था हमने लास्ट पार्ट में, ठीक है ना। और यहां पर ओ से सी यहां पर डायगोनल का काम करेगा, ओ से सी डायगोनल का काम करेगा, ठीक है। वैसे डायगोनल तो ए से बी भी है, ठीक है। तो बस यहां पर इस ज्योमेट्री को समझना है, किस तरीके से यहां से हम ओ से ए वेक्टर लिखें, ओ से ए वेक्टर, जैसे आर वेक्टर का नाम क्या है, ओ से पी वेक्टर, सीधी सी बात है। आर वेक्टर का क्या नाम है, ओरिजिन से इस पी पॉइंट तक जा रहे हैं, इस वेक्टर दी जा रहे हैं, ठीक है ना, इस तरीके से आर वेक्टर इज इक्वल टू ओपी वेक्टर, ठीक है ना। इसी तरीके से ओ ए वेक्टर, यहां से ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर किसके बराबर होगा, बस ये फाइंड आउट करना हमने सबसे पहले, तो ओ ए वेक्टर, ठीक है, ओ ए वेक्टर का मतलब क्या है, ओ से ए का मतलब है इस डिस्टेंस का, ओ से ए तो ये मतलब है, और इसके ऊपर जो ये सिंबल लगा दिया, ये एरो लगा दिया, इसका मतलब है डायरेक्शन से, कि और ओ से चले, इस ओ ए वेक्टर को पढ़ना आना चाहिए, सीधी सी बात है। जो भी पहला ओ पी वेक्टर का मतलब है कि पहला पॉइंट का नाम है ओ, यहां पर जैसे ओरिजिन, ठीक है, पी है दूसरा पॉइंट, और इस ओपी वेक्टर का मतलब क्या है, इसको पढ़ो कि ओ से चले, इस तरीके से याद रखो इस बात को कि ओ से चले और पी तक पहुंचे, ठीक है, पी तक पहुंचे, सीधी सी बात है, ठीक है ना। और तो डायरेक्शन मतलब यहां पर कुछ इस तरीके की डायरेक्शन है, सीधी सी बात, इस तरीके से याद रखो इस बात को, ठीक है। इसका उल्टा भी हो सकता है कि मतलब कोई और वेक्टर हो सकता है, जैसे क्यू वेक्टर हो सकता है, इसका उल्टा हो सकता है कभी, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि P पॉइंट से चले O तक जाना है, ठीक है ना, तो डायरेक्शन को P से हो जाएगी, सीधी सी बात है, ठीक है।
अब यहां पर ओ ए वैक्टर प्लस ओ बी वैक्टर किसके बराबर होगा, ठीक है ना। अब यहां पर जैसे लास्ट पार्ट में हमने इक्वल वैक्टर की बात की थी किस तरीके से, कि ये है ओ ए वैक्टर, सही बात है, ठीक है ना, यहां से, ठीक है ना। अब यहां पर ओ से बी वैक्टर कुछ इस तरीके से, ओ से बी वैक्टर इतना डिस्टेंस, ठीक है, और इतना ही डिस्टेंस नीचे ड्रा किया। इस बात का मतलब कि जो ओ बी वैक्टर है ये किसके बराबर है, यहां पर ए से सी वेक्टर के, सीधी सी बात है, ठीक है ना। इसकी बात हो रही है ओ से बी की और ए से सी, दोनों वेक्टर बराबर है, ठीक है ना, मतलब दोनों डिस्टेंस बराबर है और साथ के साथ डायरेक्शन भी बराबर है। काम की बात है, डिस्टेंस तो बराबर दिख रहे हैं क्योंकि हमने पैरेलल ड्रा किए हैं इस वजह से, ठीक है, मतलब जितना डिस्टेंस ये उतना ये है, सीधी सी बात है, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन भी सेम है, मतलब अगर ओ से बी जा रहे हो तो इस तरीके डायरेक्शन, तो ए से सी की भी यही डायरेक्शन होनी चाहिए, कहने का ये मतलब है, ठीक है। बस यहां पर ट्रायंगल लॉ का यूज होगा, ठीक है ना, ट्रायंगल लॉ का यूज होगा। अब ट्रायंगल लॉ क्या होता है, अब इसके बारे में पता होना चाहिए, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है ना, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज होगा। ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल का मतलब तीन और एंगल का ट्राइवर्ड का मतलब थ्री, जैसे क्वाड्रिलेटरल में क्वाड का मतलब था फोर, इसी तरीके से ट्रायंगल में ट्राई का मतलब थ्री, एंगल का मतलब तीन एंगल या फिर कहो कि तीन साइड हो, सीधी सी बात है, ठीक है ना। और वहां पर ट्रायंगल का यूज किस तरीके से होता है, वेक्टर एडिशन में, ठीक है ना, किस तरीके से। ट्रायंगल लॉ क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए हमें, ठीक है, सीधी सी बात है। ट्रायंगल लॉ क्या है कि कोई भी, जैसे कोई भी तीन साइड है, कोई भी ट्रायंगल है, सीधी सी बात है, कोई भी जैसे ए बी सी ट्रायंगल मान लिया, ठीक है ना, तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है इसके बारे में पता होना चाहिए कि जब दो साइडों की डायरेक्शन सेम हो, कुछ इस तरीके से, कि मतलब एक फिक्स पॉइंट हो, सीधी सी बात है, ए से चले हम बी तक और बी से गए सी तक, इस तरीके से पढ़ो, ए से गए बी तक, जैसे यहां पर लिखा था ओ से चले पी तक, सही बात है। तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि दो डायरेक्शन, दो साइडों की जब डायरेक्शन सेम हो जाए, मतलब यहां से इस ज्योमेट्री में से ए बी वेक्टर की ए से इसको पढ़ो, ए बी वेक्टर का मतलब ए से चले बी तक पहुंचे, बीच में प्लस का साइन, बी से गए सी तक, ठीक है, बी से गए सी तक, दो साइड है जब उनकी डायरेक्शन सेम हो जाए तो उन दोनों साइडों का सम, दोनों साइडों का सम किसके बराबर होगा, तीसरी साइड के, तीसरी साइड के सम होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब एक तो इस तरीके से भी याद रख सकते हो ट्रायंगल लॉ को कि एक तो गए ए से बी और बी से फिर गए सी, या फिर डायरेक्ट सी तक पहुंचाओ, सीधी सी बात है। इस तरीके से याद रखो, एक तो जाओ कुछ इस तरीके से, मतलब कुछ इस तरीके से, ठीक है, पहले मतलब ए से बी, ये सिर्फ समझने के लिए, ठीक है ना, वैसे तो डायरेक्ट ही जाएंगे, मतलब मिनिमम पाथ या फिर लाइन को, सीधी सी बात है, मतलब कराओ नहीं बनेगी इस वजह से, ठीक है ना। ए से बी गए, बी से सी गए, या फिर कहो कि ए से सी डायरेक्ट पहुंच जाओ, मतलब जो तीसरी साइड है, जो इनका रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का मतलब बीच में इक्वल टू का साइन, रिजल्टेंट का मतलब राइट हैंड साइड, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, तीसरी साइड के, और तीसरी साइड भी जिसकी डायरेक्शन अपोजिट हो, यहां पर ये काम की बात है। कहने का मतलब क्या है कि ए बी प्लस बी सी, सी से ए के भी बराबर हो सकती थी, ठीक है, सी से ए के भी बराबर हो सकती, लेकिन होगी नहीं, क्यों, क्योंकि यहां पर ये कंडीशन है कि ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर, ठीक है ना। हाँ, अगर मतलब सी से ए लिखना चाहते हो, लिख सकते हो सी से ए वैक्टर, ठीक है, लेकिन अब एक बात बताओ, ए से सी और सी से ए मैग्नीट्यूड तो बराबर है। कहने का मतलब कि जैसे कोई सिंपल सा एग्जांपल मान लो कि कोई लेंथ है 5 मीटर की, मतलब हमें कैसे पता चले कि 5 मीटर की लेंथ है, 0 5 है, ठीक है ना। अब 0 से 5 और 5 से 0 दोनों डिस्टेंस बराबर है, सही बात है। तो सेम बात यहां पर ए से सी और सी से डिस्टेंस तो बराबर है लेकिन वेक्टर बराबर नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट आ गई, डायरेक्शन अपोजिट आ गई, तो कुछ नहीं, बस माइनस का साइन लिख दो, सीधी सी बात है। इस बात का मतलब कि ए सी वेक्टर है, ए से सी इस तरीके से पढ़ो, कोई भी हो सकता, मतलब ए से ए पॉइंट से चले सी तक पहुंचे, तो ये बराबर होगा सी से ए तक के, लेकिन माइनस का साइन, इस माइनस का मतलब क्या है कि डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, सीधी सी बात है यहां से, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से। और या फिर वेक्टर जो ट्रायंगल ला है उसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, यहां पर दूसरा नाम इस इक्वेशन में से, कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, ठीक है ना। जब तीनों की डायरेक्शन सेम लिखना चाहते हो ट्रायंगल ला में, जब तीनों की डायरेक्शन सेम लिखना चाहते हो, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, ट्रायंगल का मतलब तीन साइड होनी चाहिए, ये नहीं है कि मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल हो जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री हो, कोई ऐसी कंडीशन है नहीं, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है,
तो सीधी सी बात, जब तीनों साइडों का सम लिखना चाहते हो, ठीक है ना, मतलब कि ए से बी गई, फिर बी से सी और सी से वापिस ए आ गई, कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो तीनों का सम होगा जीरो, सीधी सी बात है, इस इक्वेशन में से लिख सकते हो, ठीक है। मतलब जब डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन में कंफ्यूज ना होना चाहते हो कि मतलब ए से चले वापिस ए पर आ जाओ, सीधी सी बात है, ए से चले वापिस ए पर आ गए, बस पढ़ना आना चाहिए, सबसे पहले ए से चले बी तक पहुंचे, फिर बी से चले सी तक पहुंचे, सी से चले वापिस ए पर आ गए, तीनों का सम जीरो, सीधी सी बात है, ठीक है ना, कुछ इस तरीके, ये है ट्रायंगल। अब यहां से हमने तो ये रिजल्ट निकालना था कि ओ ए वैक्टर प्लस ओ बी वैक्टर, ओ ए प्लस ओ बी, ओ बी का दूसरा नाम ए सी, ठीक है ना, ओ बी का दूसरा नाम ए सी वैक्टर, ठीक है। तो ट्रायंगल मतलब ये ट्रायंगल भी यूज कर सकते हो यहां पर, कि ट्रायंगल ओ ए सी, जरूरी नहीं कि यहां पर इसी ट्रायंगल का यूज करना चाहते हो, ट्रायंगल तो ये भी बना कि ओ बी सी, बात वही रहेगी, सीधी सी बात है, ठीक है ना, बात वही रहेगी, ठीक है, इस वजह से ट्रायंगल ओ ए सी कोई भी ट्रायंगल का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर, ठीक है ना, ओ ए, अब डायरेक्शन काम क्यों हुई, ओ से ए और ए से बी, या फिर कहो कि यहां पर ओ बी, ओ से एक बार तो ओ से ए और फिर ए से सी जाना है, अगर इस ट्रायंगल ओ ए सी की बात करो तो, सही बात है, ट्रायंगल ओ ए सी की बात करो तो, सही बात है, ठीक है ना, और ए से सी किसके बराबर है, ओ बी वेक्टर के, ठीक है, तो इसलिए ओ ए, ओ से बस यहां पर ट्रायंगल ला यूज करो, यहां पर जैसे यहां पर अप्लाई किया था कि ओ से चले, बस पढ़ो इसको, ओ से चले ए तक पहुंचे, फिर बीच में प्लस का साइन, दूसरी साइड पहली कोई भी दो साइडों का सम, सीधी सी बात है, ट्रायंगल ला क्या कहता है कि कोई भी दो साइडों का सम, ठीक है, उनका ऑर्डर तो सेम होना चाहिए, ट्रायंगल ला की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी ट्रायंगल की कोई भी दो साइड जिनका सम, ठीक है ना, और उनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, कि मतलब ओ से ए जा रहे हो तो फिर ए से सी तक जाना है, ठीक है, ए से सी, या फिर ए से सी का दूसरा नाम ओ बी वेक्टर, सही बात, किसके बराबर होगा, तीसरी साइड के, रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, तीसरी साइड के, लेकिन उसका अपोजिट ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है, अपोजिट ऑर्डर, मतलब एक तो, या फिर इस तरीके से कहो कि ओ से ए गए ए से सी, या फिर ओ से सी डायरेक्ट पहुंच जाओ, सीधी सी बात है, ओ से सी डायरेक्ट पहुंच जाओ, इस तरीके से भी याद कर सकते हो ट्रायंगल ला को, ठीक है, ये इक्वेशन आ चुकी है, ठीक है। अब जैसे यहां पर x कुछ ना कुछ डिस्टेंस था, मतलब ये a पॉइंट माना हमने, कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस था, इसी तरीके से z एक्सिस पर कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, वो यहां पर हो सकता है, यहां पर हो सकता है, बस समझना हमने, ठीक है ना, ओरिजिन से ये डिस्टेंस मान लिया, यहां पर भी मान सकते हो, ठीक है ना, समझना सिर्फ कुछ कुछ इतना डिस्टेंस अगर, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर इस डायग्राम से समझना चाहते हो तो, मतलब जैसे ये जेड एक्सिस, तो क्या कहा था, एक परपेंडिकुलर ड्रा करो, ठीक है, तो इस पॉइंट का नाम, मतलब इस डिस्टेंस का नाम है ओरिजिन से कितना, जेड, जेड का तो ये मतलब था, ओरिजिन से जेड एक्सिस पर कितना डिस्टेंस, इतना होगा, क्योंकि पॉइंट यहां पर माना है, इस वजह से, ठीक है ना। और ये कब कहोगे, जब मतलब पॉइंट, मतलब अगर इसके परपेंडिकुलर कहीं पर भी, अगर यहां पर पॉइंट हो सकता वो, इस वजह से, ठीक है ना, बस यहां पर ये मत कंफ्यूज होना कि मतलब ये डिस्टेंस क्यों होगा, ठीक है ना, इस वजह से, ठीक है, बस जो सिंपल सी डेफिनेशन है वो याद रखो, इस जेड का मतलब जेड एक्सिस पर कितना डिस्टेंस है और कहां से ओरिजिन से, कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो बस इसी तरीके, जैसे ओ से ये, अब इस पॉइंट को नाम दे लो, जैसे डी नाम दे लिया इस पॉइंट को, ठीक है ना, तो जो ये डिस्टेंस इतना ओ से डी, ठीक है, तो इतना यहां पर पैरेलल ड्रा कर लो, किस तरीके से, जैसे वाई जे कैप एक्स आई कैप कैप, इसी तरीके जेड एक्सिस की डायरेक्शन में क्या होगा, जेड के कैप, ठीक है ना, जेड के कैप मतलब जेड कितना डिस्टेंस है, के कैप यूनिट वेक्टर, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो यहां पर भी मतलब की कहने का मतलब कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, यहां पर कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा, इस तरीके से, मतलब जो ये डिस्टेंस है जेड एक्सिस पर कितना भी डिस्टेंस हो सकता है, मतलब ये जेड की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, ठीक है ना, जैसे लास्ट पार्ट में हमने बात की थी कि मतलब कभी पॉइंट 2, 3, 4 हो, ठीक है ना, कुछ इस तरीके का 2, 3, 4, ठीक है, तो इस 4 का मतलब 4 डिस्टेंस है ओरिजिन से जेड एक्सिस पर, मतलब जैसे इतना डिस्टेंस मान लिया, तो इसके इतना ही डिस्टेंस यहां पर मान लो, इस तरीके से, ठीक है ना, बस यहां पर समझना है कि इस तरीके से। अब ट्रायंगल, ठीक है ना, अब यहां पर बात होगी ट्रायंगल किसकी, ओ पी, ट्रायंगल ओ पी और सी की, इस तरीके से इस ट्रायंगल की बात करनी है, अब ट्रायंगल ओ पी सी की, और हमने निकालना क्या था, आर वेक्टर, सही बात है ना, आर वेक्टर, पोजीशन निकालनी थी किसी वेक्टर की, कब, जब किसी कोई पॉइंट दिया हो, पी पॉइंट दिया हो,
ठीक है ना, मतलब ओ से पी वेक्टर निकालना है, आर वेक्टर का दूसरा नाम ओ पी वेक्टर। तो एक बार यहां पर भी यही चीज अप्लाई कर लो, ट्रेंगल ला, मतलब ट्रेंगल ओ पी सी में भी ट्रेंगल ला अप्लाई कर लो। कहने का मतलब कि ये वेक्टर निकालना है, तो सीधी सी बात जो निकालना है उसको तीसरी साइड मान लो, मतलब रिजल्टेंट। तो क्या करो, एक बार ओ से सी चले जाओ, फिर सी से पी तक चले जाओ, कुछ इस तरीके से। सही बात है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और किसके बराबर हो जाएगा, ओ से पी डायरेक्ट पहुंच जाओ। मतलब क्या लिख सकते हैं हम यहां से, ओपी वेक्टर किसके बराबर हुआ, ट्रायंगल ला से लिख रही है बात, ओपी वेक्टर किसके बराबर, एक तो ओ से पी डायरेक्ट गई, या फिर क्या करो ओ से सी जाओ पहले, बीच में प्लस का साइन, और फिर सी से पी पहुंच जाओ, कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और ओ सी वेक्टर निकालना था हमने कुछ इस तरीके से, ओ ए प्लस ओ बी का नाम था, इस तरीके से, ठीक है। बस यहां पर इक्वेशन है कि ओ से ए का नाम क्या था, ओ से ए एक्स डिस्टेंस है और उसका नाम था एक्स आई कैप। सही बात है, एक्स डिस्टेंस, आई कैप तो यूनिट वेक्टर है, मतलब इनटू में वन लिखा है, सीधी सी बात। आई कैप क्या है, आई कैप तो एक यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन है, लेकिन आई कैप यूज क्यों हुआ, उसकी डायरेक्शन देने के लिए, मतलब ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। कहने का ये मतलब कि ये एक्स तो डिस्टेंस है, ये एक्स डिस्टेंस है, इसको मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। सही बात है, इस वजह से एक्स आई कैप, बीच में प्लस का साइन, ओ बी वैक्टर, ओ से बी वैक्टर, और उसका नाम क्या लिखा था, वाई जे कैप। वाई कितना भी डिस्टेंस हो सकता है और जे कैप यूनिट वेक्टर है वाई एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है। तो वाई जे कैप किसके बराबर है, ओसी वेक्टर के। सही बात है, ओसी वेक्टर के। तो बस इस इक्वेशन में यूज करो ओपी वेक्टर, ओपी वेक्टर निकालना था मतलब आर वेक्टर, ठीक है, आर वेक्टर, ओपी वेक्टर ही तो था आर वेक्टर, ठीक है। किसके बराबर होगा, ओसी वेक्टर, ओसी वेक्टर का नाम ये रहा, ओसी वेक्टर का नाम ये रहा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, बीच में प्लस का साइन। ये तो सिर्फ ओसी वैल्यू आई, सी से पी की भी तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सी से पी कितना हो जाएगा, इसके पैरेलल ड्रा किया है, ठीक है, सी से पी मतलब जो ये डिस्टेंस है उतना ही ये है, सीधी सी मतलब जेड के कैप, कहने का ये मतलब है, ठीक है, जेड के कैप। तो ये है रिजल्टेंट इस तरीके से, ठीक है। तो अब रिजल्ट क्या निकल के आया हमारे पास, रिजल्ट कि पोजीशन वेक्टर निकालना हो, ठीक है, पोजीशन वेक्टर निकालना हो, लेकिन किसका, सबसे पहले किसी पॉइंट का, कोई भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है, कोई भी पॉइंट, मतलब जैसे इस तरीके का मान लिया एक्स वाई जेड, कोई भी पॉइंट मान सकते हो, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर लिखेंगे, किसके बराबर हो जाएगा, ये आई इक्वेशन, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसका मतलब है क्या, मतलब इसको याद कैसे रखें, ठीक है ना, हाउ टू रिमेम्बर, ठीक है, बस कुछ नहीं करना, जब भी पॉइंट दिया हो, काम की बात है, जब भी कोई भी पॉइंट दिया हो, ठीक है, तो उसके साथ एक्स लिखा आई कैप की मल्टीप्लाई कर दो, वाई के साथ जी कैप की मल्टीप्लाई, और जेड की के कैप के साथ मल्टीप्लाई, तीनों को ऐड कर दो, सीधी सी बात। कोई एग्जांपल ले लो कि मतलब कोई भी पॉइंट, जैसे ए पॉइंट दिया कुछ इस तरीके का, 2 3 1 दिया, ठीक है, तो पॉइंट से वेक्टर लिखना हो, काम की बात है, किसी भी पॉइंट से वेक्टर लिखना हो, ठीक है ना, वेक्टर लिखना, न्यूमेरिकल्स में ये बात डायरेक्ट यूज करेंगे कि पॉइंट से वेक्टर कैसे लिखते हैं, बस ये बात याद रखो, बस कुछ नहीं लिखना, जो ये डिस्टेंस है, 2 तो है क्या, एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस, तो बस 2 लिखा, ठीक है, आई कैप की मल्टीप्लाई कर दो, आई कैप है यूनिट वेक्टर तो है लेकिन एक्स एक्सिस के लॉन्ग, इस वजह से, ठीक है। 3 की मल्टीप्लाई कर दो जी कैप के साथ, 1 की मल्टीप्लाई कर दो के कैप के साथ, तीनों को ऐड कर दो, ये है पोजिशन वेक्टर। यहां पर आर वेक्टर, लेकिन ए वेक्टर लिखोगे, आर वेक्टर तो जनरल केस के लिए, जब पॉइंट कुछ इस तरीके का, इस वजह से, तो ए वेक्टर कुछ, और ए वेक्टर का ही दूसरा नाम होता है ये, काम की बात है ये, ए वेक्टर का ही दूसरा नाम इस वेक्टर, वेक्टर एक्चुअल में था क्या, वेक्टर एक्चुअल में क्या था कि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ठीक है ना, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। मेन बात तो होती है जब 3 डायमेंशन में बात करो, मेन जो स्टेटमेंट यहां पर वो है ये सेगमेंट की, मतलब मैग्नीट्यूड, सीधी सी बात है मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड। और एक बात हमें पता होनी चाहिए कि मैग्नीट्यूड की, कोई सिंपल सा एग्जांपल ले लिया कि किसी की लेंथ 10 है, ठीक है ना, कोई भी वायर हो सकती है, ठीक है ना, उसकी लेंथ 10 है, लेकिन हमें कैसे पता 10 है, 0 होनी चाहिए, 10 0 से काउंट किया तभी तो आएगी ये चीज कि उसकी लेंथ 10 है। सही बात है, मतलब 2 पॉइंट चाहिए, इस बात का ये मतलब 2 पॉइंट चाहिए, तो ये भी तो यही है,
ओ ए वेक्टर क्या कहा था, बनाना चाहिए ओ ए वेक्टर, ओ से चले और ए तक पहुंचे, और यहां पर इस ओ का नाम रहेगा ओरिजन, कि ओरिजन से चले ए पॉइंट तक, सीधी सी बात, उसका नाम है ओ ए वेक्टर। ठीक है, ये कभी मतलब कभी यहां पर माइनस हो तो यहां पर माइनस लिख देना, यहां पर माइनस हो तो यहां पर माइनस आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, ये तो सिर्फ माइनस टू का मतलब है, माइनस टू तो डिस्टेंस है, कहने का मतलब जैसे ये पॉइंट लिखना हो कि मतलब माइनस टू थ्री, इस माइनस टू का मतलब क्या, जैसे यहां पर एक्स एक्सिस लिखते हैं, ठीक है ना, यहां पर वाई एक्सिस, ठीक है, तो ये पॉइंट कुछ यहां पर होगा कि मतलब माइनस टू थ्री और माइनस वन, अगर ये वाई एक्सिस है तो, क्यों, इस माइनस टू का मतलब क्या है, यहां पर ओरिजन, जैसे नीचे माइनस वाई, यहां पर ओरिजन, ठीक है, और ओरिजन के प्लस एक्स है तो यहां पर प्लस के, इस तरीके प्लस के नंबर होंगे, वो नंबर रियल भी हो सकते हैं, इंटीजर भी लिख सकते हो, ठीक है, और माइनस टू का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जाओ। अब डिस्टेंस कभी नेगेटिव थोड़ी ना होता है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, या फिर दूसरा नाम डिस्टेंस या तो जीरो होगा या फिर पॉजिटिव, काम की बात है, ठीक है। तो टू तो माइनस टू का मतलब है टू डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस तो टू है, लेकिन माइनस का मतलब है माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है, इसका ये मतलब माइनस टू का, सीधी सी बात है, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो बस ये बात याद रखो कि जब भी किसी पॉइंट से वेक्टर लिखना हो, बस क्या करना है, आई कैप जे कैप और के कैप की मल्टीप्लाई कर दो, बीच में प्लस साइन लिख दो, मतलब कोमा हटा के, सीधी सी बात है। ठीक है, अब इसी का उल्टा भी होगा, ठीक है, न्यूमेरिकल्स की बात करें कि इसका उल्टा भी होगा, इस बात का मतलब कि जब भी वेक्टर दिया हो, वेक्टर से पॉइंट लिखना हो, ठीक है ना, वेक्टर से पॉइंट लिखना हो, ठीक है, वेक्टर से पॉइंट लिखना हो तो क्या करना है, पॉइंट लिखना हो तो सीधी सी बात है, बस यहां पर क्या करना है, आई कैप जे कैप के कैप हटा दो, बस सीधी सी बात है, मतलब कुछ इस तरीके का कोई वेक्टर दिया हो तो पॉइंट निकालने, वेक्टर से पॉइंट लिखने हो, बस आई कैप जे कैप और के कैप को हटाओ, बीच में कोमा लिख दो, मतलब माइनस टू थ्री माइनस वन डायरेक्ट लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है ना, ये तो है पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट का। ठीक है, अब बात करनी हमने साथ के साथ रिमार्क्स की, पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट का, सही बात है, कुछ इस थे, लेकिन ये भी एक्चुअल में मतलब यहां पर भी दो है पॉइंट, तो दो है ना, कौन से, ओ ए, मतलब दूसरा पॉइंट ओरिजिन लिखते हैं, लेकिन लिखते नहीं, वो एक अलग बात है, ठीक है ना, एक्चुअल में तो ओ से ए है, इस तरीके से। ठीक है, साथ के साथ अब यहां पर रिमार्क्स की बात करेंगे। ठीक है, अब यहां पर रिमार्क्स की बात करनी है किस तरीके से, ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले पोजीशन वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर किसी लाइन का लिखना हो, कोई भी लाइन हो सकती है, ठीक है ना, कोई भी लाइन हो सकती है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में तो लाइन सेगमेंट होनी चाहिए, मतलब उसका कुछ ना कुछ फिक्स्ड मैग्नीट्यूड होना चाहिए, कुछ ना कुछ डिस्टेंस होना चाहिए, कुछ ना कुछ पार्ट होना चाहिए, इस वजह से, लेकिन नॉर्मली कहते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ लाइन, बस पता होना चाहिए लाइन नहीं है, लाइन सेगमेंट है, कोई भी लाइन मान लो कि कुछ इस तरीके से ए से बी, मतलब ये दोनों ए से बी, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर कोई भी लाइन किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, तो जैसे ए और बी मतलब पॉइंट मान लिए, चलो इस तरीके पॉइंट मान लिए एक्स वन वाई वन, इस तरीके से बी पॉइंट मान लिया कुछ इस तरीके एक्स टू वाई टू, ये कब है, ये है टू डायमेंशन के, मतलब दो एक्सिस के, जेड वन भी मान लो, ठीक है ना, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन में कंफ्यूज मत होना कभी भी, ठीक है ना, बस यहां पर एक और एक्सिस ऐड हो जाएगी थ्री डायमेंशन में, और थ्री डायमेंशन से टू डायमेंशन जाना हो तो एक एक्सिस हटा दो, यहां पर थ्री में जाना तो कोमा जेड टू लिख दो, सीधी सी बात है, इस तरीके से। तो पोजीशन वेक्टर लिखना किसी लाइन का, मतलब इस बात का मतलब ए बी वेक्टर लिखना है, यहां पर ए बी वेक्टर किस तरीके से लिखोगे, बी में से ए माइनस कर दो, सीधी सी बात है, मतलब फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दो। ए बी वेक्टर का किस तरीके से पढ़ेंगे, ए पॉइंट से चले बी तक पहुंचे, कुछ इस तरीके से, ये डायरेक्शन है। ठीक है, तो क्या करना, बी में से ए माइनस कर दो, पोजीशन वेक्टर किसी लाइन का लिखना हो, ठीक है, और इसी का दूसरा नाम क्या है, इस बी वेक्टर का दूसरा नाम कुछ इस तरीके का, ये भी सही बात है ना, हमें कैसे पता कि मतलब ये मतलब एक्स टू डिस्टेंस है, एक्स टू डिस्टेंस एक्स एक्सिस पर, लेकिन ओरिजन से, इस ओ का मतलब क्या है, ओरिजन से, सीधी सी बात है, और सेम बात यहां पर, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो कभी भी किसी लाइन का पोजीशन वेक्टर लिखना हो तो बस ये बात याद रखो, बी में से ए, और इस बात का मतलब ए बी वेक्टर लिखना तो क्या करना, बी में से ए, मतलब एक्स एक्सिस पर
एक्स टू माइनस एक्स वन कर दो, कुछ इस तरीके से एक्स टू माइनस एक्स वन और वेक्टर लिखना है पॉइंट, ये तो पॉइंट की बात हुई, एक्स टू माइनस एक्स वन पॉइंट का मतलब कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, सीधी सी बात, सबसे पहले एक्स एक्सिस का डिस्टेंस ठीक है, और आई कैप वेक्टर लिखना है किसी पॉइंट से, सही बात है, बीच में प्लस का साइन, फिर वाई एक्सिस का डिस्टेंस लिखो वाई टू माइनस वाई वन, सही बात है वाई टू माइनस वाई वन, जे कैप इसी तरीके से जेड टू माइनस जेड वन के कैप, इसका ये मतलब है, सीधी सी बात है ठीक है। और अगर ये चीज एक बार और समझनी हो, जैसे कोई भी पॉइंट, मतलब ये मान लिया कि टू थ्री फोर कोई ए पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर लिखो, तो क्या करना है, ये डिस्टेंस लिखे आई कैप जे कैप और के कैप की मल्टीप्लाई कर दो, बीच में प्लस का साइन लिख दो, ये है पोजीशन वेक्टर ओ ए वेक्टर ओरिजिन से, सही बात है कुछ। और इसी का दूसरा नाम भी तो ये भी तो हो सकता है ना, इस टू का दूसरा नाम टू माइनस जीरो भी तो लिख सकते हो, इसी तरीके से थ्री माइनस जीरो और इसी तरीके से फोर माइनस जीरो की एक है, और इसको इस तरीके समझना हो कि मतलब यहां पर ओरिजिन है, यहां पर ये ए पॉइंट है टू थ्री फोर, सही बात है, और ओरिजिन कुछ इस तरीके का होता है, वही बात तो लिखी है, टू में से जीरो माइनस किया, सही बात है, टू में से जीरो माइनस किया, सही बात है। हाँ कभी उल्टा लिखना, उल्टे का मतलब कि ये तो है ओ से ए चले, बस इसको पढ़ना ना चाहिए कि ओ से ए चले यहां पर ठीक है, यही ए से ओ के भी बराबर होगा, लेकिन डिस्टेंस तो बराबर है लेकिन माइनस साइन आ जाएगा, मतलब यहां पर ये जरूरी नहीं कि मतलब कि ये फैक्टर प्लस का ही आना चाहिए, मतलब कि एक्स टू ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है यहां पर ठीक है ना, बस यहां पर प्लस भी आ सकता माइनस भी आ सकता, वो यहां से डिराइव हो जाएगी ये बात ठीक है। तो बस सबसे पहले तो ये बात रखो, याद रखो कि पोजिशन वैक्टर किसी पॉइंट का लिखना हो तो डायरेक्ट ही आई कैप जे कैप और के कैप की मल्टीप्लाई कर दो, बीच में प्लस का साइन, कभी लाइन का लिखना हो कुछ इस तरीके से लिख सकते हो ठीक है, यह पहला रिमार्क्स यहां पर ठीक है। अब दूसरे रिमार्क्स की बात कर लेते कि पोजीशन वेक्टर से कभी यहां पर डायरेक्शन रेशो लिखना हो ठीक है ना, डायरेक्शन रेशो लिखना हो, वो क्या होता है डायरेक्शन रेशो, सीधी सी बात है डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन रेशो के ही और नाम है, डायरेक्शन रेशो के ही और नाम है, किस तरीके से, सबसे पहले डायरेक्शन रेशो या फिर कहो कि कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, सभी का एक ही नाम है, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट या फिर टिप ऑफ ए पॉइंट ठीक है ना, टिप ऑफ ए पॉइंट ठीक है, और या फिर इसी का नाम होता है स्केलर कंपोनेंट, सीधी सी बात है ठीक है ना, स्केलर कंपोनेंट ठीक है। तो कभी डायरेक्शन रेशो लिखने हो या फिर कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट या फिर टिप ऑफ ए पॉइंट या फिर स्केलर कंपोनेंट, सीधी सी बात, कहां से, पोजिशन वैक्टर से, तो किस तरीके से लिखते हैं, तो बस यहां पर जैसे यही वर्ड लिखा कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, और कोऑर्डिनेट पॉइंट कैसे बनता है, जैसे कोई भी पॉइंट करो, जैसे जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड कुछ इस तरीके का, और ये डिस्टेंस है, सीधी सी बात है, तो कभी डायरेक्शन रेशो लिखने हो कहां से, पोजिशन वेक्टर से, तो बस करना कुछ नहीं आई कैप जे कैप और के कैप को उठा दो, सीधी सी बात है, पोजिशन वेक्टर से, पोजिशन वेक्टर लाइन का भी हो सकता है कभी पॉइंट का भी हो सकता है, सीधी सी बात, वेक्टर आते ही एक बात याद रखो, जब भी वेक्टर की बात आएगी तो वेक्टर में आई कैप जे कैप और के कैप तो आएंगे ही आएंगे, सीधी सी बात है, आई कैप जे कैप और के कैप, हाँ ये कोई जरूरी नहीं कि मतलब तीनों ही आए, इस बात का मतलब कि कभी ये चीज जीरो हो सकती है ठीक है ना, ये जरूरी थोड़ी है कि मतलब कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, ये तो डिस्टेंस है किस पर, जेड एक्सिस पर ठीक है ना, वो जीरो भी हो सकता है, सीधी सी बात है, इसका ये मतलब था ठीक है। तो बस ये बात याद रखो, पोजीशन वेक्टर से ये चीजें, डायरेक्शन रेशो, इसी का नाम कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट या फिर कहो कि डायरेक्ट पॉइंट लिखना, सीधी सी बात है, पोजीशन वेक्टर, वेक्टर से पॉइंट लिखना है तो क्या कहा था, सीधी सी बात है आई कैप जे कैप और के कैप हटा दो, सीधी सी बात है ठीक है ना, और इसी का नाम टिप ऑफ ए पॉइंट भी होता है, स्केलर कंपोनेंट भी होता है, इस तरीके से ठीक है ना, इस तरीके से बेस वेक्टर और पोजीशन वेक्टर का कंसेप्ट रहेगा ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू।